आपके हिसाब से रोहित यहाँ पे पेसर्स को कुछ हेल्प मिलेगी? पहले दो एक दो ओवर नहीं बोल सकते, बस बाकी स्लो। तो पेसर्स के लिए इस पिच में कुछ खास नहीं है और ये स्पिनर्स पैराडाइज। बड़ा राजा है, बड़ा राजा किंग जॉर्ज। तो राजा हेड्स चलिए, और ये टॉस ये हुआ बराबर हेड आया, बड़ा राजा आया। और फील्डिंग उमेश ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। उन्होंने एक्सपर्ट्स की राय को नकार दिया है। ये बहुत ही गलत है। कॉइन मिला तो मैं कॉल कर रहा था। देखो हमारे एक्सपर्ट्स की वैल्यू नहीं रखे। चलो नो प्रॉब्लम। तो उमेश ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। हमारे सुरेश भाई भी मैदान में आते हुए, जिज्ञासा धीरे धीरे बढ़ते हुए, मैदान यहां पर खचाखच भरा हुआ। आज पूरे रिकॉर्ड जिताया था, बहुत ही जोरदार फॉर्म में, अच्छी बॉलिंग, अच्छी फील्डिंग और अच्छी बहुत ही बेहतरीन बैटिंग का नमूना मनोज ने पेश किया था। फील्ड पूरी तरीके से सज चुकी है। ये बहुत ही बढ़िया बॉल मनोज का रक्षात्मक तरीके से खेल दिया। फ्लिक करना चाहते थे, बॉल को मिस किया और थर्ड अंपायर की तरफ से साफ मालूम पड़ रहा है टीवी रिप्ले में कि बॉल गुप्ता की टीम का, बहुत ही बड़ा झटका दिनेश की टीम के लिए। पहला विकेट गिरने पर हमारी पूरी शिश्मा की तरफ से मयंक के लिए दुआएं हैं कि उसकी प्रतिभा के साथ बहुत ही बढ़िया गेंद खेल दिया है कवर्स की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद और एक रन चुरा लिया मयंक ने वहां पर। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा वहां पर पेश करते हुए उमेश विपक्षी कप्तान। बहुत ही बड़ा झटका ये और छोटे चिच्चा उसकी पप्पी लेते हुए, छोटे चिच्चा से ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे विपक्षी टीम के प्लेयरों की पप्पी ना ले, क्योंकि फिर हमारा भी दिल करता है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहां पर कर रहे हैं मनोज। हमारे दीपक भाई बालाजी स्टील एंड ट्यूब से प्रवेश करते हुए मैदान में। उनका उनको प्रोत्साहन करने के लिए मनोज के कंप्लीट हो चुके हैं। दो ओवर में उन्होंने सिर्फ दो रन दिए हैं और जोरदार प्रदर्शन यहां पर मनोज भाई के द्वारा अपनी टीम को द नेम ऑफ स्ट्रेंथ। बहुत ही बढ़िया गेंद खेला है कवर्स की तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाए। फील्डिंग का मुजाहरा वहां पर पेश करते हुए कृष्णा फील्डर थे, चीते की तरह फील्डिंग करते हुए बांग्लादेश के 33 for 3 चार ओवर की समाप्ति पर बांग्लादेश 33 रन पर 3 विकेट। और ये बहुत ही बढ़िया गेंद और रक्षात्मक तरीके से खेला। 11 overs कंप्लीटेड। हाँ अगला गेंद प्रतीक का, ये बॉल पे विकेट है, देखो की तरफ फील्डर बॉल के पीछे डाइव लगाया और बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर लग रहा था। 23 runs for 1 wicket दिनेश भाई की टीम।
उनको स्कोरिंग की रन रेट बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता है। चार और अभी तक के प्रदर्शन को देखकर लग रहा है कि उमेश ने जो टॉस जीतने के पर हल्की सी मिसफील्ड हुई वहां पर और ये काफी महंगी पड़ सकती है, जो कि वहां पर एक रन भी नहीं होना चाहिए था, वहां पर दो रन चुराए वहां पर मयंक ने। बैट से निकला उसके ऊपर लिखा हुआ था चार रन, छपा हुआ था चार रन, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, किसी को हिलने की भी जरूरत नहीं वहां पर चार रन के लिए। अगला गेंद मनोज का सामना करेंगे प्रणव और ये बहुत ही जोरदार शॉट फाइन लेग की तरफ, कोई मौका नहीं फील्डर के पास। और अब प्रणव जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं बहुत ही खतरनाक आती है, यही तो थी। बैंक की मम्मी भी कमेंट्री बॉक्स के पीछे ही है। चारा यहां पर वो लोग करते हुए अगला गेंद यश का खेल दिया है मयंक ने कवर्स की तरफ। हेलो 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 विकास, विकास आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग प्लीज बैठ जाइए। और ये बहुत ही जोरदार शॉट, शानदार फील्डिंग का वहां पर। वही डाकू अभी कमेंट्री बॉक्स में। अगला गेंद यश का गेंद यश का सामना करेंगे मयंक और खेला है कवर्स की तरफ, कोई फील्डर वहां पर मौजूद, अच्छी फील्डिंग सेटअप वहां पर उमेश। दीपक भाई, ओ दीपक भाई आओ ना जरा, आओ दीपक भाई हमारे पास आओ यार, आप विक्रम साहब के पास क्यों जा रहे हैं? विक्रम साहब कुछ भी निकाल के देने वाले नहीं हैं। जो कि बिल्कुल अब्दुल खादिर स्टाइल में बॉल डालते हैं, 90 डिग्री के एंगल पर बॉल घुमाते हैं। और ये बहुत ही जोरदार गेंद रीड हुए वहां पर प्रणव, अच्छी वापसी यश की यहां पर और इसी चीज की जरूरत है उनकी टीम को उनसे। होना है यहां पर और ये अगला गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, रक्षात्मक तरीके से खेला और एक रन चुरा लिया मिड विकेट पर खेलकर वहां पर। और ये अगला गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, काफी सम्मान दिया मैं राघव की, अच्छी फील्डिंग वहां पर राघव की, मैं खास समझ नहीं पाए थे उनके ओवर को। छोटे चीचा थोड़ा टाइम लेते हुए हाथ को घुमाकर जो डाला है उठा दिया है सर के ऊपर से, चार रन के लिए बेहतरीन स्ट्रोक। छोटे चिच्चा की बॉल पे, बहुत ही छोटे चिच्चा को जरूरत है टप्पा बॉल को खिलाने की और रनों की। अगला गेंद छोटे चिच्चा का मैक को और ये बहुत ही बढ़िया बॉल खेल दिया है मिड ऑन की तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद प्रतीक भाग कर आते हुए। चिच्चा को एक विकेट की जरूरत, बहुत ही जोरदार गेंद वहां पर, बहुत ही बढ़िया गेंद, एक रन लेना चाहते थे लेकिन मयंक ने उन्हें वापस भेजा। अगला गेंद और ये खेल दिया कवर की तरह, बहुत ही जोरदार शॉट, फील्डर वहां पर मौजूद कृष्णा और ये जोरदार और अब ये
जैसा कि हमने पिछले मैच में भी देखा था, आज और कल बापू और बेटा दोनों बैटिंग क्रीज पर, रोहित अग्रवाल बैटिंग पर गए हैं, मयंक ऑलरेडी क्रीज पर है, रोहित जो कि मयंक के पिताश्री है, बहुत ही बढ़िया गेंद यश का, रक्षात्मक तरीके से खेल दिया रोहित ने उसे। एक जमाने में मैं और रोहित साथ खेला करते भाई, प्रवेश करते हुए हमारे बिट्टू भाई का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बिट्टू भाई खाली हाथ आए हैं या कुछ कैरेट वैरेट लाए हैं? बिट्टू भाई ने हाथ झटका दिए हैं। और ये जोरदार शॉट दिनेश भाई का उठा दिया है कवर्स की तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद छोटे चिच्चा बॉल के पीछे आते हुए, लेकिन उससे पीछे दूसरे फील्डर ने बॉल उठाया और वापस विकेट कीपर के हाथों में। नहीं कृष्णा, अगला गेंद और यह बहुत ही बढ़िया शॉट, बैट अगला गेंद प्रतीक का, बहुत ही बढ़िया गेंद, जोरदार अपील वहां पर, और ये अंपायर ने उंगली उठाई तो थी लेकिन इशारा कुछ और किया, और सभी दर्शकों से निवेदन है कि भोजन बिल्कुल तैयार है, जिन्हें वो नहीं डिनर बिल्कुल तैयार है, खाने की तरफ बढ़े सभी दर्शक। बहुत ही जोरदार शॉट मिड ऑन की तरफ, फील्डर बाप बॉल के पीछे भागते हुए, कोई मौका नहीं, जोरदार शॉट 4 रन के लिए, बेहतरीन शॉट हमारे दिनेश भाई का, कप्तानी पारी दिनेश भाई यहां पर खेलते हुए। केदार स्टील कल 500 रुपए रेट बढ़ के खोलेंगे जरूर। धीरे धीरे केदार स्टील का यहां पे बढ़ते हुए, और मेरी 3 तारीख के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि और ये जोरदार शॉट फील्डर बॉल के नीचे आते हुए, और यह बहुत ही जोरदार शॉट 4 रन के लिए। और ये बहुत ही जोरदार गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, डिफेंसिव तरीके से खेलना पड़ा, और ये लग रहा है कि बनेंगे, आसान नहीं होगा उमेश की टीम के लिए 200 रन का टारगेट चेस करना यहां पर। इस बीच बहुत ही बढ़िया शॉट रोहित का मिड ऑफ की तरफ, और 1 रन चुरा लिया, और ये जोरदार शॉट वहां पर फील्डर बॉल के नीचे आते हुए, और ये बेहतरीन कैच ऑफ द मैच, कैच ऑफ द मैच मनोज के द्वारा। दिनेश ने शॉट तो बहुत ही जोर लग रही थी, उसमें उन्हें विकेट मिला। देख रहे हैं कि रोक पाते हैं, अच्छी फील्डिंग वहां पर यश के द्वारा, और ये बेहतरीन शॉट रोहित का, और ये बेहतरीन शॉट रोहित का 4 रन के, 20 ओवर कंप्लीटेड, 198, 20 ओवर कंप्लीटेड, 4/198, उमेश की टीम को जीतने के लिए चाहिए सेंचुरी मारी आज, बहुत ही बेहतरीन मैच हुआ यहां पर। बेबी बड़ी भोली है, बेबी की अंडी छोली है, अंग्रेजी में खटपट मैडम री बुरा न मानो बोली है। रामा रामा जब भूखे आते से न क्या बोले भाई आ जा रही बच्चों। अच्छी बॉल, रक्षात्मक तरीके से खेला, और रह सकते बैट सामने, 1 रन के लिए डायरेक्ट थ्रो, बहुत ही शानदार फील्डिंग, बॉल एलबीडब्ल्यू द विकेट, बॉल को समझ नहीं पाए, बॉल घुस गई,
जो आउट होकर राम वापस आते हुए तीसरे गेम में शिष्मा वॉरियर्स का पहला विकेट गिरा। बैटिंग में जा रहे हैं अनिकेत चलान। यारों की यारी ताजी करारी उसपे बहुत ही बढ़िया गेंद। व्हाइट बॉल का इशारा। पिच में काफी नमी। उड़ना को दादा और स्पॉन्सर्ड भाई नहीं वो तो गलत वो राधा स्पॉन्सर्ड भाई राधा टीएमटी आज हमारे दिनेश भाई की सासू जी मैदान पर और ये बेहतरीन शॉट वहां पर चार रन के लिए बेहतरीन शॉट वहां पर अनिकेत के द्वारा अनिकेत का मिड ऑफ की तरफ फील्डर वहां पर मौजूद एक रन के लिए। आज हमारे राजू भाई यहां पर मौजूद नहीं है वरना राजू भाई यहां पर होते हैं। साहब सुभाष भाई के बेटे के द्वारा सौरभ के द्वारा बेहतरीन कैच और ये कैच नहीं ऐसा लग रहा है कि मैच उनकी झोली में आता हुआ कैच होता मैच। भाभी जी का वाटर से खेलती हो भाभी जी तुम लेती हो हमें ना देती हो जो मांगू टेल मी व्हाई। बहुत ही बढ़िया कैच भाई बेहतरीन कैच। आज साथ लगा भाई सुभाष भाई और इसी के साथ ये मिडिल स्टंप उखड़ते हुए यहाँ पर लाइन लगते हुए अनिकेत अनिकेत भी वापस आते हुए दो गेंदों पर दो विकेट। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर कभी मैच छोड़ चल रहा है ये सुमेश को वही बल्लेबाजी दिखानी होगी जो हरियाणा संघ के लिए दिखाया करते थे। बहुत ही जोर को जीतने के लिए चार ओवर में 44 रन चाहिए। बढ़िया गेंद रक्षात्मक तरीके से खेला हूं मैं। जरूरत है प्रणव आकर इधर आराम करे ताकि विपक्षी टीम को भी कुछ आराम मिले। अगर वो बॉलिंग करते रहेंगे तो यहां पे सबकी सांसें यूं ही उखड़ी रहेंगी। बेटा प्रणव बहुत खेल लिया बेटा बस कर बेटा प्रणव हाथ उठाओ आओ आराम करो बेटा इडली डोसा खाओ नाश्ता करो आइसक्रीम भी है थोड़ी बैटिंग लंबी चलने दो। और यह प्रतीक का बेहतरीन शॉट चार रन के लिए कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास। मैंने जैसे ही कहा था जब तक प्रतीक और उमेश बैटिंग क्रीज पर है तो मायूस होने की और यह बेहतरीन बॉल बढ़िया गेंद और ये कैच ये एच था कैच हो सकता था काफी मुश्किल चांस था अच्छी ट्राई थी दिनेश भाई के द्वारा लेकिन मिस हुआ वहां पर और एक जीवन दान मिला प्रतीक को। अगला गेंद पटिक को व्हाइट बॉल हो सकता है बेहतरीन विकेट कीपिंग यहां पर रहेगी तो श्रेय इस बात का 5-7 टन बाल एक्स्ट्रा बिक जाएगा। बहुत ही बढ़िया कवर्स की तरफ शॉट और उतना ही बढ़िया बेहतरीन जोरदार अपील बहुत ही जोरदार अपील लेकिन ऐसा अगला गेंद और ये खेल दिया है और ये मिस फील्डिंग वहां पर लेकिन कोई खास नुकसान नहीं होगा क्योंकि बैकअप अच्छा था वहां पर दो रन के लिए अच्छी रनिंग बिटवीन द। अगला गेंद यश का काफी बार की तरफ देख रहे हैं पर पंद्रह गेंदों में 35 रन चाहिए इंडिया को। इंडिया की तो हालत खराब है 13 गेंदों में 24 रन 13 गेंदों में 34 रन बहुत ही बढ़िया शॉट प्रतीक का वहां पर मिड विकेट की तरफ फील्डर वहां पर मौजूद
फील्डर जिन्होंने की बहुत ही बेहतरीन कैच लिया था हमारे सुभाष भाई के। उन्हें सामना करेंगे हृदय का। बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया गेंद, जॉकर रेंज का बॉल था, खोद कर जमीन में से निकाला। और इसी के साथ प्रतीक का विकेट यहाँ पर गिरते हुए। भाई प्रतीक कैच के लिए तो जरूरी था कि यहाँ पर रिस्क लेके खेले, उनकी जरूरत थी। उन्होंने बहुत ही बढ़िया शॉट खेला था मिडऑन की तरफ, लेकिन वहां पर बहुत ही बढ़िया फील्डर मौजूद थे। अच्छा कैच वहां पर, और इसी के साथ प्रतीक की पारी का यहां पर अंत होते हुए। दो बैट्समैन यहां पर बैटिंग करने के लिए जा रहे हैं। इंडिया को बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर, और ये बहुत ही बढ़िया शॉट मिडऑन की तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद, कोई मौका नहीं वहां पर। एक रन के लिए दर्शकों में उत्साह ज्यादा, जोश का। और ये जोरदार शॉट पीछे वो भागते हुए, लेकिन और ये बेहतरीन फील्डिंग वहां पर। अरे यार इतनी जान लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत रन बाकी है। एक मयंक आए हैं बॉलिंग पर, और ये बहुत ही बढ़िया गेंद मयंक का, फाइलक की तरफ खेला है उमेश ने, और एक रन चुरा लिया वहां पर। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, कुछ इस तरीके का कमाल दिखाएं। और ये बहुत ही बढ़िया शॉट चार रन के लिए, अरे नहीं फील्डर वहां पर पीछे मौजूद, अच्छी फील्ड प्लेसमेंट वहां पर। बढ़िया गेंद, रक्षात्मक तरीके से खेल दिया, कोई रन नहीं। चलो बहुत ही बढ़िया शॉट उमेश का, अच्छी फील्डिंग वहां पर, बेहतरीन फील्डिंग वहां पर, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग वहां पर। टेंशन बढ़ती हुई, अगली बॉल निमित की, घुमा दिया है, कोई चांस नहीं, कोई मौका नहीं फील्डर को रोकने का। फील्डर के हवा में है बॉल, देखते हैं कि कौन ले पाता है। छूटा कैच, एक बहुत बढ़िया कैच छूटा। संतानवे रन थे। अच्छी गेंद, पूरी तरह से बीट हुए मनोज। सामना करेंगे मनोज, रन बहुत ही बढ़िया गेंद, रन की एवरेज यहां पर बढ़ते हुए, अब यहां पर जरूरत से निकलते हुए। अगर यहां पर अब हिटिंग नहीं हुई तो ये बहुत देर हो जाएगी। जरूरत है दिनेश कार्तिक के टाइप की हिटिंग की। बहुत ही बढ़िया शॉट वहां पर, और सौरभ की अगली गेंद, बाउंड्री पे खड़े हैं फील्डर, बहुत ही शानदार तरीके ठीक से बॉल कलेक्ट नहीं हो पाई, ओवर थ्रोस, एक रन और लिया बैट्समैन ने, तीन रन मिले जहां पर एक रन आउट का।
तीसरे रन के लिए बहुत तेज भागे और सामना करने के लिए तैयार उमेश। सौरभ की अगली गेंद उमेश को बोल्ड, उमेश का महत्वपूर्ण विकेट गिरता हुआ और बोल्ड आउट होकर वापस आते हुए बहुत बड़ा झटका वॉरियर्स को। छठा विकेट पर निमित अच्छी गेंद कर रहे हैं, सामने है मोहित बोल्ड और एक विकेट गिरता हुआ शिश्मा वॉरियर्स का सातवां विकेट गिरा। निमित की बहुत ही शानदार बॉल, लेग विकेट पूरी तरह से छूटी और बोल्ड आउट हुए। भरत भाई अब जा रहे हैं बैटिंग पे, क्योंकि बहुत उम्मीदें हैं टीम को उनसे। ओवर की समाप्ति, चार रन के लिए विकेट की पहली बॉल। घुमा दिया है बॉल हवा में और मैच के दौरान शानदार कैच, आठवां विकेट गिरा शिश्मा वॉरियर्स का। विकेट की अगली बॉल, एक बॉल और एक कैच उसी जगह पे, वही बॉलर वही फील्डर, राउंड आउट हुए। उसी तरह का शॉट खेला उन्होंने उसी जगह पे। घुमा दिया की तरफ, बहुत ही शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन, सिर्फ दो रन मिले, अच्छी फील्डिंग और अच्छा थ्रो ना करेंगे विकास। बाउंड्री के लिए 22 का इशारा एम्पायर का, चार रन।
ये भी एक कैच हो सकता था। अच्छी कोशिश, एक रन मिला भी। बहुत ही शानदार फील्डिंग निमित द्वारा, बाउंड्री पे 76 76 रनों की जरूरत। निमित की बॉलिंग, घुमा दिया है बॉल सामने, राघव घुमाना चाहते थे पूरी तरह से मिस हुए। अगली बॉल निमित की, राघव को घुमाना चाहते थे राघव, बॉल बैट पे ठीक आई नहीं, कोई रन नहीं। बहुत ही शानदार फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, एक रन मिला विकास को। जल्दी जल्दी जल्दी, 17वां ओवर समाप्त हुआ। 17 ओवर के बाद स्कोर है 127 रन 9 विकेट के नुकसान पर। पिछले ओवर में 4 रन बने। सामने है विकास, बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद। क्रिकेट के फिर बीट हुए, पूरी तरह से बीट हुए दिनेश भाई की कीपिंग। रनआउट का एक चांस सामने है राघव, 18वां ओवर चल रहा है। क्रिकेट की अगली गेंद, राघव को घुमाना चाहते थे राघव, एलबीडब्ल्यू की अपील ले आ रहे हैं, सामना कर रहे हैं राघव। घुमा दिया राघव ने, सीधे फील्डर के पास, एक रन मिलेगा। मयंक डालेंगे अगला 19वां ओवर, सामने है राघव। मयंक के 19वें ओवर की पहली गेंद, राघव को घुमा दिया राघव ने, सीधा फील्डर के पास में, बाउंड्री पर खड़े परीक्षित, एक रन मिला। घुमा दिया है 4 रनों के लिए, कोई चांस नहीं फील्डर के पास में रोकने का। बहुत ही शानदार शॉट विकास भाई के बैट से निकलता हुआ, 4 रन। एक अपने ओवर की तीसरी गेंद डालने आते हुए सामने है विकास, दोनों बैटिंग पे स्टैंड हेड होकर वापस आते हुए फील्ड पे जा रहे हैं ओम। आर्यन सामना करेंगे, बॉलिंग करेंगे, खेल दिया है डिफेंसिव तरीके से, कोई रन नहीं। पांचवी गेंद 19वें ओवर की, आर्यन सॉरी अपने हुसन का सारे सारे नाम परीक्षित भाग भाग मिल गया। लगा
घुमा दिया है चार रनों के लिए, कोई फील्डर नहीं, बहुत ही शानदार शॉट होम का, चार रन मिले। और एक चौका ओम के बैट से, इस ओवर का दूसरा चौका। मैच समाप्त हुआ, शिशमा वॉरियर्स ने शिशमा पैंथर्स ने आज मैच जीता है फाइनल, उसका लास्ट स्कोर था। King Khan and ghuma ke anna ke jaisa chashma laga ke coconut me lassi mila ke a jao sare mood bana ke all the rajni fans don't they miss the chance all the rajni fans tournament hua hai उसका जो स्पॉन्सरशिप धनलक्ष्मी स्टील आयरन स्टील की तरफ से हुआ है उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। साथ में सबसे बड़ी बात यह है जो इनकी फैमिली का सहयोग जो मैच में रहा है, हमारे छोटे जो मतलब इनके फैमिली में टैलेंट है और अभी आगे ये सोच रहे हैं, जैसा इसके पहले अशोक भाई बोले थे कि शिशमा वर्सेस धनलक्ष्मी फैमिली, क्योंकि आपके घर में एक टीम बन जाएगी पूरी। एंड वी अप्रिशिएट ये जो छोटे सरकार हमारे, क्या नाम है बेटा आपका, निर्मित, आपका प्रकेत, निर्मित एंड प्रकेत एंड आपका आपका नाम बेटा प्रणव, दे हैव एंड हर्ष, ये चारों ने जो रंग जमा है आज क्रिकेट में, मेरे ख्याल में आज तक ऐसा हमने नहीं देखा आज तक। एंड गिव देम अ बिग अप्लॉज प्लीज, हिप हिप हुरे, हिप हिप हुरे, ग्रेट एंड कीप इट अप। आई रिक्वेस्ट अनिल भाई टू कम ऑन द डायस एंड वो शॉल शॉट। अब 11 बजे के बाद धन्य भाई, भाई और तालियां अवकाश में। भाई शॉल में गर्मी काफी है, अभी वैसे भी ठंडी का मौसम चल रहा है यहाँ पे। एक मिनट संदीप भाई, संदीप भाई, संदीप भाई प्लीज, नहीं वो रिपीट कर लेंगे। थैंक यू संदीप भाई, थैंक यू रियली हार्टली। नहीं ये टाइम जोर के नहीं देता हूँ, कौन से जोर के लेते भाई, तालियां। फोटो 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 खिंचा कमेंट है मनोज, और मनोज को अवार्ड देंगे उनके मम्मी। आंटी जी आप आइए और मनोज को अवार्ड दीजिए बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का। मनोज भाई सबसे खुशी का पल है अपनी मम्मी के हाथ से अवार्ड लेने का। आंटी जी फोटो, अपने बेटे को आशीर्वाद। एनी गेसेस, कोई है ही नहीं, मयंक बेस्ट बैट्समैन, मयंक अंकल, जकी अंकल, अंकल आप आइए अवार्ड देने के लिए, क्योंकि आप भी बहुत खास बल्लेबाज थे अपने टाइम में, तो मैं को आप देंगे तो मैं को भी प्रेरणा मिलेगी। अशोक उनकी भी मम्मी यहाँ पे ही है। अच्छा नहीं, मैं की मम्मी यहाँ है, यहाँ है, हाँ बिल्कुल, अभी आप आइए। देख बेटा विकेट कीपर, देखो भाइयों, इसमें मैं एक ही बात बोलूंगा, 100%
100% इसमें कोई शक नहीं है कि बेस्ट विकेट कीपर के लिए एक्चुअली दिनेश भाई सबसे ऊपर है, लेकिन दिनेश भाई ने खुद इस अवार्ड को डिनाई किया है क्योंकि वो चाहते हैं कि यंगस्टर्स को अवार्ड मिले, इसलिए बेस्ट विकेट कीपर का। और दिनेश भाई थैंक यू दिनेश भाई ने खुद डिनाई किया है, तो बेस्ट विकेट कीपर का अवार्ड जा रहा है राघव को। दिनेश भाई से दिलो, और ये मिलेगा दिनेश भाई के हाथ से। दिनेश भाई वेल प्लेड, और आपने राघव को, राघव वेल प्लेड बेटा। भाई दिनेश भाई के सामने महेंद्र सिंह धोनी भी शर्मा गए। कौन कौन गेस्ट? मेरी इच्छा तो थी यार आर्यन को मिले, कोई बात नहीं, अगली बार वेल प्लेड बेटा, वेल प्लेड। आ जाओ दिनेश भाई, आ जाओ। रनर्स अप के लिए फर्स्ट उमेश अग्रवाल। रनर्स अप की ट्रॉफी के लिए उमेश आगे आए अपनी पूरी टीम के साथ। वेल प्लेड उमेश, बहुत ही अच्छी फाइट हुई यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया फाइट हुई। सौरभ, दिनेश केदार सिंह, दिनेश भाई कम एंटरटेनर है इनके लिए, तालियां प्लीज, तालियां। गुरु गुरु इनकी इनकी अभी इंडियन क्रिकेट टीम में इनको बहुत बड़ी, बहुत जल्दी डिमांड आने वाली है। हाँ मतलब प्लेयर से ज्यादा रेट में बिकने वाले हैं। हाँ नहीं मैं रेट नहीं बोलता, रेट बोले तो कचरा हो जाता हमारे भाई का। प्लेयर से ज्यादा रेट में भी जितने भी मेंबर गण आज जो भी आए हैं विद फैमिली, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हर फंक्शन में इसी तरह विद फैमिली आप लोग उपस्थित हो और प्रोग्राम सक्सेस हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज का प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। It was a great experience playing in the Shisma Panthers team. Oh, I got the chance to bowl and bat too. I took 4 wickets in 2 matches, bowled 3 overs. Okay. Thank you so much. Thank you. And in the we got to the finals in a one-knee tournament.